हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मेन एंड पिस्टन्स की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। और 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल्ट पर। पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का इनकम है 60.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 63 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 52.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 55 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 7.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है, वो भी माइनर सा डाउन, क्योंकि एक्सपेंस बहुत कम किया गया था। अब नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज किया है, क्योंकि 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर 4.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर 5.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्योंकि कंपनी का टैक्स 45 लाख का ओनली पे किया था, इसीलिए प्रॉफिट वापस से रिकवर किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। EPS की बात करें 1.42 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंड फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें तो इनकम में 256 करोड़ का है, पिछले साल मतलब 23 में 252.4 करोड़ का इनकम था। इनकम इंक्रीज किया है, एक्सपेंसेस कंपनी का है 221.5 करोड़ का, 23 में 220.3 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34, यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज किया गया जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34.5 करोड़ का, 23 में 35.1 करोड़ का डाउन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी को 23 में एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को 3 करोड़ का गेन हुआ था, इसका प्रॉफिट डाउन था। लेकिन इसको तो गाइस टैक्सेस 8 करोड़ का ऑनली पे करना पड़ा, जिसके कारण प्रॉफिट है 26.4 करोड़ का और 23 में 23 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। EPS 5.19 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल ईयर एंडेड, कंसोलिडेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 55.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 52.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 46.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 43.9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर 41.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 8.2 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 13.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस इंक्रीज है लगभग 50 लाख का, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। लेकिन नेट प्रॉफिट वापस से रिकवर करने की कोशिश कर, यहाँ पे 7.9 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 6.1 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 8.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 1.56 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग है, स्टैंडअलोन बेसिस पर ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किया है। अगर शेयर की बात करें 91 रुपीज़ पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रही है और 3.7% का आज के दिन बहुत स्ट्रांग जंप देखने को मिला है। 1 मंथ में 3% का लॉसेस है और 6 मंथ में 27% का प्रॉफिट है। गाइस यहाँ सब कंपनी जो है रिवर्स करता हुआ नजर आ रही है, बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री का, तो आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं, आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।